अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी सा पेरी पेरी पोहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 2 कप हमने पोहा लिया। पोहा हमने थोड़ा सा मोटा वाला लिया है, तो सबसे पहले हम पोहे को धोकर रखेंगे। तो पोहे में हम डालेंगे पानी और इसे अच्छी तरह धो लेंगे। तो 2 से 3 पानी से हम इसे अच्छी तरह धो लेंगे और इसका पानी हम एक छलनी में निकाल देंगे। तो ये पोहे का हम सारा पानी निकाल देंगे। तो अब इसे हम डालेंगे एक बाउल में। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चीनी और आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीजें अच्छी तरह हमने मिक्स कर दी हैं। अब इसे हम ढक कर रख देंगे एक तरफ और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून पाउडर चीनी, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी जिंजर पाउडर। ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए तो ये सारी चीज अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब बनाते हैं हम पोहा। कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मूंगफली में से जब इस तरह चटकने की आवाज आने लगे तो अब इसे हम निकाल लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे राई, 1 मीडियम साइज का आलू इसे छील कर क्यूब में काट लिया ये डाल देंगे। 3 से 4 मिनट आलू को फ्राई करने के बाद में इसमें हम डालेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया ये डाल देंगे और ये करी पत्ता भी डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च इसे हमने बारीक काट लिया है। ये सारी चीजों को अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये सारी चीज अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब यहाँ आप तेल को थोड़ा सा कम कर ले, क्योंकि प्याज और आलू को फ्राई करने के लिए हमने तेल यहाँ थोड़ा सा ज्यादा डाला था। तो सबसे पहले हम यहाँ तेल को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों को हम एक तरफ करेंगे। चलिए तो ये तेल को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर इसे हमने क्यूब में काट लिया है और इसके बीज को हमने हटा दिया है। अगर हम बीज के साथ डालते तो ये ग्रेवी जैसा हो जाता। तो इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसे हम हल्का सा ही पकाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे ये पोहा। तो पोहे को हम पहले एक बार मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से खोल लेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक हम पोहे में डाल चुके हैं, तो यहाँ आलू और प्याज के हिसाब से ही नमक डालेंगे और ये पोहा डाल देंगे और ये मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा था। गैस को भी हमने यहाँ बिल्कुल मंद ही रखा है और ये सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम ये आधा नींबू डाल देंगे, आधा नींबू हमने पहले डाल दिया था, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फ्राई मूंगफली अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए पेरी पेरी पोहा बनकर तैयार है। गैस को करेंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिसआउट। चलिए तो ये पोहे को कर लेते हैं हम डिसआउट। तो लीजिए पेरी पेरी पोहा बनकर तैयार है। गार्निशिंग के लिए हम थोड़ी सी डाल देंगे ऊपर से फ्राई मूंगफली और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए पेरी पेरी पोहा बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।